दोस्तों, तो आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट लाई हूँ जो कि आप इजीली कुछ ही सामान से बना सकते हैं जो कि आपके घर में ही अवेलेबल है और ये बहुत यमी बनता है। आप चाहो तो सुबह के नाश्ते में बना सकते हो या फिर शाम के नाश्ते में बना सकते हो। ये इतना इजी टू कुक्ड स्नैक है कि जो आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है ना कि ये जो बचे हुए चावल होते हैं ना, कि बहुत से लोग बचे हुए चावल खाते नहीं हैं, वो फेंक देते हैं, तो प्लीज़ अब से आप फेंकना बंद करिए क्योंकि इसी चावल से, बासी चावल से एक बहुत ही बेहतरीन स्नैक बन के रेडी होता है या फिर आप उसको नाश्ता भी बोल सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है ना कि हमें एक मिक्सी ग्राइंडर का जार लेना है, उसमें हमने ये चावल लेना है। तो मैं इसे मेज़रमेंट के हिसाब से, ये मेरा पड़ा 2 कप मेरा चावल पड़ा, तो इसमें मैंने 1/4 कप मैंने बेसन डाला और 1/4 कप ही मैंने इसमें थोड़ा सा दही डाला जो कि घर का दही है फ्रेश बिल्कुल। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला, 1/4 कप से थोड़ा सा कम मैंने पानी डाला है, और इसे हम मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और जब हम इसका ना पेस्ट बिल्कुल फाइन नहीं करेंगे, हमें थोड़ा सा दरदरा रखना है ताकि इसका जो टेक्सचर है वो अच्छे से आए। मतलब अगर हम इसे बहुत फाइन पेस्ट बना देंगे तो इसका जो टेक्सचर बाद में बन निखर के आएगा तो वो इतने अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। तो आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छे से पेस्ट बन चुका है। तो इसे पेस्ट बनाने के लिए ना इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते रहिए और ध्यान रहे कि आपको ज़्यादा इसको फ्लोई बैटर नहीं बनाना है। तो मैंने इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसे अच्छे से हम जितना भी ये जार में लगा है अच्छे से निकाल लेंगे, बिल्कुल एक एक चीज़ इसमें जितना भी बचा है वो सब हम निकाल लेंगे क्योंकि हम कोई भी चीज़ सामान हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए इसका बैटर। तो इसके लिए हम इसमें थोड़ा टेस्ट के लिए 1 इंच का अदरक और 2 हरी मिर्च डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च का क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसे हम ओखली में अच्छे से पीस देंगे, मतलब इतना फाइन पेस्ट भी नहीं बनता है ओखली में। वैसे भी अगर हम इसको दरदरा ही रखेंगे तो ये खाने में थोड़ा इसका फ्लेवर अच्छे से आएगा और बहुत अच्छा भी लगेगा। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कि ये मेरा पेस्ट बन के रेडी था और ये हम इसको सारा का सारा अपने बैटर में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने ये मसाला जो बनाया था इसको मैंने सारा बैटर में डाल दिया था, इससे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। आप चाहो तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने नहीं डाला था लहसुन क्योंकि हर कोई की जो रेसिपी होती है ना वो बिना लहसुन के ही अच्छी लगती है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़ीरा डाला था, मतलब 1 टीस्पून के करीब मैंने ज़ीरा डाला और 1 टेबलस्पून मैंने नमक डाला। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और साथ ही मैंने इसमें 1.5 टीस्पून हींग पाउडर डाला था, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। और साथ ही मैंने इसमें 4 टेबलस्पून सूजी डाला था। सूजी हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो ये पका हुआ चावल का हम कुछ भी स्नैक बनाते हैं ना तो उसे बाइंडिंग की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए हमने इसमें 4 चम्मच सूजी लिया है। अगर आपका बैटर ज़्यादा है तो आप उसी हिसाब से 5 चम्मच भी ले सकते हो। और इसी के साथ हम इसे अच्छे से मिला देंगे, घोल देंगे, और इसे बहुत अच्छे से हमें घोल देना है ताकि जितने भी मसाले हैं वो पूरी तरह से घुल जाए और एक अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बैटर जो था वो थोड़ा गाढ़ा था, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाला है और विस्क की मदद से मैंने इसे फिर से घोलना स्टार्ट किया। मतलब इसका जो कंसिस्टेंसी हमें चाहिए ना, वो ज़्यादा ना गाढ़ा चाहिए ना ही ज़्यादा फ्लोई चाहिए, मतलब उसके बीच का जो होता है ना बिल्कुल वैसा ही चाहिए। और आप देख सकते हो कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिलाया है ताकि ये हमें अच्छा सा कंसिस्टेंसी मिल सके इसकी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी, तो हमें इसलिए ऐसे ही चाहिए। और हमने इस बैटर को साइड में रख दिया था ताकि उसे थोड़ा सा रेस्ट मिले। और साथ ही हम इसमें ग्रीन चटनी बनाएंगे, तो ग्रीन चटनी के लिए मैंने बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है और मैंने हरी मिर्च, साथ में 1 इंच का अदरक और 2-3 कलियाँ लहसुन और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया था। ज़ीरा आप ज़रूर डालना
आंवला ग्रीन चटनी में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये मैंने पीस दिया था। और साथ ही बारी आती है दही की, क्योंकि ग्रीन चटनी ना दही वाला बहुत ही यम्मी लगता है, तो हम दही को हम अलग से फेटेंगे और इसे बहुत अच्छे से फेटना है ताकि जो इसका टेक्स्चर है वो बिल्कुल क्रीमी हो जाए और इसमें बिल्कुल लम्स ना पड़े। अगर इसमें लम्स पड़ गया तो आपकी चटनी में बिल्कुल दिखेगा लम्स और वो अच्छा नहीं दिखता है और वो क्रीमी टेक्स्चर भी नहीं आएगा चटनी में। तो इसी वजह से आप इसे पहले अच्छे से मिला लीजिए ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल इसका क्रीमी टेक्स्चर हो जाना चाहिए जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। तो यहाँ पर मेरा चटनी भी बन के रेडी था, तो इसी में मैंने अलग से ऊपर से दही भी डाल दिया था और इसे अच्छे से मिला देना है दही डालने के बाद। और अगर आप दही को साथ में ही मिक्सी में पीस देते हो तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं आता, बट ये है कि आप उसे थोड़ा सा फेंट लेना। बट ये है कि उसमें ये दिक्कत आती है कि जो चटनी का कंसिस्टेंसी होती है ना वो बहुत वाटरी हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये कितना गाढ़ा चटनी बन के रेडी हुआ है, बहुत टेस्टी लगता है। और इस चटनी को आप एक से या दो दिन तक आप यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसमें हमने डाला है दही, तो दही डालने से फिर वो जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर आपको देर तक चाहिए, मतलब बहुत दिन तक इसे स्टोर करके रखना है, तो आप इसमें दही नहीं डालेंगे और बिना दही के वो बहुत ईजीली आपका एक हफ्ते तक चल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्लेट में अच्छे से ऑयल लगा के ग्रीस कर लिया था और जो ये बैटर था उसे 15 मिनट का रेस्ट मिल गया था। तो अब हम इसे इस प्लेट में डाल देंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा ट्रे है जिसमें हम बेकिंग करते हैं या मिठाइयाँ बनाते हैं तो आप उस ट्रे में भी बना सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने इसे प्लेट में भी बनाया। तो इसे हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। और अब बारी आती है इसे स्टीमर की, तो हम इसमें एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे और पानी को उबलने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर मेरा पानी उबल गया था, तो साथ ही मैंने इसमें ट्रे रखा ऊपर से और ऊपर से फिर मैंने यहाँ पे जो पूरा बैटर था वो डाला। और इस प्रोसेस को करते समय आराम से डालिए क्योंकि आपके हाथ भी जल सकता है। तो अगर आपके पास स्टीमर है तो आप स्टीमर में भी इसे स्टीम कर सकते हो। तो अब हमें वेट करना है 20 मिनट तक। तो 20 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोल के देखा तो ये परफेक्टली पक गया था। तो बेसिकली इसने 20 मिनट का टाइम लिया है। अगर आपका जो बैटर है वो थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें 20 मिनट के बाद देख सकते हो। अगर आपका जो सिंक है या जो भी टूथपिक है अगर वो क्लियर नहीं आया तो आप 1-2 मिनट या 5 मिनट इसे और कुक कर सकते हो, ये डिपेंड करता है इसकी थिकनेस में। तो यहाँ पर मैंने इसे ठंडे होने के बाद मैंने इसे कटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि आधा कटिंग तो मैंने पहले ही कर दिया था क्योंकि मेरे को लगा कि मेरी वीडियो बन रही है, बट मैंने जब ध्यान दिया तो वीडियो तो चालू ही नहीं था। तो फिर इसे मैंने कट करना स्टार्ट किया है। जैसे हम ढोकला को कट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको कटिंग करना है। आप इसमें इसको कोई सा भी शेप में काट सकते हो। मैंने तो इसे यहाँ पे स्क्वायर कट में कटिंग किया है, तो आप देख सकते हो। और ये इतना सॉफ्ट और इतना फ्लफी बन के रेडी हुआ था ना, आप चाहो तो इसको ऐसे ही खा सकते हो। अगर आप डाइट कॉन्शियस हो या डाइटिंग में हो तो आप इसे ऐसे ही खा सकते हो, लेकिन अगर आप डाइट कॉन्शियस नहीं हो और डाइटिंग में नहीं हो तो अभी बताती हूँ आगे जाके कि इसका क्या करना है। और ये देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल स्पॉन्ज की तरह, बहुत मज़ा आ रहा था इसे ऐसे ही चूने में। आप इसको ऐसे ही चटनी लगा कर खा सकते हो और ये ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है। बट अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हो तो इसे बहुत चटपटा तरीका है इसे और बनाने का। तो यहाँ पर मैंने एक नॉनस्टिक का पैन ले लिया है, तो उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और साथ ही मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून राई का दाना डाल दिया है। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप वो भी डाल सकते हो, और अगर आप कड़ी पत्ता नहीं खाते हो तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। और इस बाकी इसमें मैंने ये जो हमारा ये बना हुआ था इसको मैंने डाल दिया था इसमें, और इसे फ्राई करना है। और जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो आपको इसमें थोड़े मसाले ऐड करने हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स डाला था। अगर आपको तीखा पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो या फिर कम भी डाल सकते हो। और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला था, और साथ ही मैंने 1 टेबल से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें कश्मीरी मिर्च डाली थी, और चुटकी भर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला था। और इन सबको हमने ऐसे मिला देना है इसको फटाफट, और ये
आप देख सकते हो कि ये कितना मसालेदार बन के रेडी हुआ है और ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि हमने इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाली हैं। और इसे थोड़ी देर हम फ्राई करने के लिए रखेंगे और इसके बाद हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे गार्निश के लिए, और इसे थोड़ी देर और हम इसे फ्राई करेंगे ताकि जब तक इसमें थोड़ा सा चाको फ्लेवर ना आ जाए। और आप देख सकते हो थोड़ा क्रिस्पी भी हो गया है। और थोड़ी देर इसे पकने के बाद हम इसे अब प्लेटिंग करेंगे क्योंकि ये बिल्कुल रेडी था प्लेटिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसे प्लेटिंग करना स्टार्ट किया। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि प्लेटिंग कैसी करनी है, फिर मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और जैसे जैसे किया तो ऐसा सा बन गया। तो ये मैंने सर्व किया हरी चटनी के साथ। आप चाहो तो इसे टमाटो सॉस के भी साथ खा सकते हो। ये हरी चटनी प्लस टमाटो सॉस के साथ दोनों के साथ अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हो ये कितना मज़ेदार सा नाश्ता बन के रेडी हुआ है। तो अब आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि बचे हुए चावल का करना क्या है। बिल्कुल आप बचे हुए चावल को आप ऐसे ठिकाने लगा सकते हो इतना हेल्दी इसका स्नैक या नाश्ता बनाकर। और आप इसे अपने बच्चों के टिफ़िन में भी पैक कर सकते हो क्योंकि ये बहुत हेल्दी के साथ साथ और ये बहुत जल्दी इससे पेट भी भर जाता है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।